सो गाइस अभी यहाँ पे जो पैरोट से गाइस हम लोग बात को रिपीट कर रही है। हेलो ओ गाइस बॉय स्टॉप बोलो संजू ब्लॉग को सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो संजू ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करने के लिए। सो हे गाइस व्हाट इज अप, इट्स मी मिस्टर संजू, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस अभी गुड आफ्टरनून आप लोगों को, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। और गाइस आज हम लोग आए हुए हैं जमशेदपुर के सबसे फेमस पार्क जुगली पार्क में, जू में। सो गाइस आज हम लोग जू को एक्सप्लोर करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या है, हम लोग को एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं और सबके बारे आप लोगों को डिटेल्स में बताते हैं। और मेरे साथ गाइस अभी यार राजीव है, मैं और राजीव आया हूँ यहाँ पे। और गाइस पीछे हमारे पीछे टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट हम लोगों ने परचेस कर लिया, पर हेड 30 रुपीज़ है। हम लोगों को दो जन का 60 रुपीज़ लगा है, तो आप लोग आओ यहाँ से पीछे से टिकट आप लोग परचेस कर सकते हो। और गाइस इसके बारे जो फुल डिटेल्स कब ओपन है कब से क्लोज रहेगा, तो मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जो इन करते हैं, आप लोग पीछे देख सकते हो गेट है, तो हम लोग जो इन करते हैं और आप लोगों को मिलते गाइस अंदर चल के। तो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग अंदर इन कर चुके हैं और पीछे आप लोगों को यहाँ पे टिकट देना पड़ता है और आप लोग फिर इन करोगे। तो लेट्स सी आगे और क्या क्या होता है। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. सो गाइज अभी हम लोग को इधर पैरोट्स देखने को मिलेगा, यहाँ आपको एक बोर्ड मिलेगा वर्ल्ड ऑफ पैरोट्स का। तो लेट्स गो आगे चलते हैं अभी। ओ भाई यहाँ पे कलरफुल पैरोट्स है यार, यहाँ पे तो सब कलरफुल पैरोट्स में यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग। बैक से दिखा दो। सो गाइस अभी यहाँ पे जो पैरोट से गाइस हम लोग बात को रिपीट कर रही है, हम लोग को लग रहा है कोई मतलब कि आसपास कोई आदमी वगैरह है, बट हम लोग अच्छे से सुने फोकस किए तो सुनाल है। ओ भाई साहब अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। भाई गाइस सुनो आप लोगों ने भाई क्या बोला, ये आप लोग फोकस से अच्छे से सुनना भाई, ये बोलने वाला तोता है, बोलने वाला तोता। ओ भाई साहब आप लोगों ने सुना भी क्या बोला इन्होंने हमारी बातों को, ये रिपीट कर रहा है गाइस। ज़ूम कर देखो। ओ भाई साहब भैया YouTube पर आएंगे। हेलो। ओ गाइस भाई साहब बोलो। हेलो बोलो संजू ब्लॉग्स जीएसआर को सब्सक्राइब कर दो। अरे चल आ गए गाइस सुनो। ओ भाई साहब बड़ा टैलेंटेड होता है यार। गाइस आप लोगों ने सुना होगा अभी क्या बोला, आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रहा, बट गाइस हम लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यार ये बोल सकता है। मैं तो सोच रहा था इसे घर ले जाने का, यार मिल जाएगा परमिशन तो मैं इसे पक्का घर लेके चल जाऊंगा। अगर आप लोगों को ये तोता का आवाज सुनना है, वॉइस सुनना है क्या बोल रहा, तो ये फर्स्ट लाइन में जो है तोता का, तो सबसे पहले एक व्हाइट तोता है, उसके बगल में एक ब्लैक वाला है, तो आप लोग वहाँ पे इस तोते को कुछ भी बोलो गाइस ये अपनी बात को रिपीट करते हैं हम लोग को। तो यहाँ लाइन से पूरा जो है सब तोते ही इसमें। तो गाइस अब आगे चलते, आगे हमें मंकी दिख रहा, तो दिखाते हैं राजीव का भाई को। ये दिख रहा होगा इसका भाई अभी आगे बैठा हुआ है, तो लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बंदर के जोन में। हमारे पीछे जो आपको बंदर दिख रहा है उसका नाम है रिसेस बंदर, जो कि खास साउथ ईस्ट एशिया का है और बड़ा ही मायूस है, जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे वाला गाइस ये जो है देख सकते हो पूरा मायूस बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है ये मेल बंदर है, मुझे लग रहा है ये उसकी गर्लफ्रेंड है, पूरी मजे में है। तो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग बैक कैमरे से देखो, हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे हिप्पोपोटामस है गाइस, तो ये था हिप्पोपोटामस। हेलो बोलो। हाय हाय
हेलो 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 अभी उसकी गर्लफ्रेंड हो गई थी, गर्लफ्रेंड को इसके दूर रखा गया इसीलिए इसे देख सकते हो इतनी उदास है। मायूस है यार, कितनी मायूस है। अंदर सो गाइस अभी अपने पीछे ये मैड्रिल्स बंदर है, आप लोग देख सकते हो पीछे, आप लोग उल्टा दिखता होगा, जस्ट यही वाला बंदर पीछे में है, तो आप लोग देखो। हेलो ब्रो, व्हाट इज अप, क्या हाल है? ओ भाई सब मस्त मस्त है, वो बड़ा है बस। वैसे आप लोग उसको फेस देखना, फेस मैं दिखाता हूँ जूम करके, देख ये मंकी, वो भाई साहब फेस देखो आप लोग, हमको ऐसे फेस में कोई कलर किया हुआ भाई? नहीं नहीं उसका वो है, वो सब बच्चा है, वो सब बड़ा हुआ तो उसको लाल पीला हो जाएगा। गाइस हम लोगों ने मंकी को पार कर दिया, मंकी के बगल में एक उल्लू का घोंसला है जो बहुत अंदर तरफ बैठा हुआ है, तो अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए हम लोगों ने उसे शूट नहीं किया। और अभी गाइस ये हिप्पोपोटामस हम लोग पीछे देख सकते हो इसके अंदर है, तो आप लोग को सामने से दिखाते हैं इसका नज़ारा कैसे है। ये गाइस पूरा डूबा हुआ है, बस इसका बैक वो बाहर निकला हुआ, बाकी पूरा डूबा हुआ दिख रहा है गाइस। तो चलते आओ, आ जाओ गाइस, देख लो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, कैमरे में तो उतने बड़ा दिख नहीं रहा, बट अगर फ्रंट से देखोगे आप लोग तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अभी आगे चलते हैं गाइस, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अभी यहाँ जेब्रा है गाइस, तो आओ गाइस अभी हम लोग जेवरे से अपन के चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं। यहाँ हिरन है, वाइट हिरन है, और उधर पीछे जेबरा है, इस एरिया हिरन का और जेबरे का है, तो एक्सप्लोर करने वाले हम लोग सारा कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही जमशेदपुर से रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो वीडियो को। तो वहाँ पे गाइस अपने पीछे हिरन है, तो देखो आप लोग चेरा हिरन, मैं चूम के दिखाता हूँ आप लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी सारे अंदर घर की घर बना हुआ है, तो वहाँ बैठे हुए बाकी सारे सभी। बारिश स्टार्ट होने लगा तो सारे हिरन अभी घर के अंदर चले गए, और हम लोग है कि गाइस अभी हिरन घर के अंदर चल गया बारिश के वजह से, लेकिन गाइस हम लोग देख सकते हो आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहे, मेहनत कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो अभी आगे चलते हैं, अपने पीछे जेब्रा है, तो जेब्रा को देखते हैं। अभी हम लोग के पीछे जेब्रा है, तो आप लोग जेब्रा को देखो कैसे है। टीवी में हम लोग देखते हैं गाइस, टीवी में बहुत छोटा दिखता है, बट अगर आप लोग रियल लाइफ में सामने से देखोगे तो बहुत बड़ा ही है। तो आप लोग देखो पीछे जेब्रा है, और जस्ट इसके पीछे हिरन था। तो आप लोग अगर जमशेदपुर के जू में आते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। घूमने आते हो जमशेदपुर तो इस जू को जरूर विजिट करो आप लोग। खोल दे बस एक बार पंख, 100 200 ज़्यादा ले ले भाई, पंख खोल दे। अभी बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है, तो हम लोग बचने का जगह खोज रहे। भाई 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 भाई, सो गाइज आप लोग देख सकते हो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने बारिश में भी के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए, न्यू विजिट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर दो, और एक प्यारे से कमेंट कर देना। और गाइस अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो गाइस। अभी बारिश बहुत तेज हो रहा है, देख सकते हो हम लोग पूरे दीवार में चिपके हुए, यार प्लेस भी नहीं बचा हुआ कहीं रुकने का। वो क्या है, चलो ये छिड़वा हुई पानी वानी कुछ होगा। भीग रहे ब्रो, भागो 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 सब भागो। सो गाइस यहाँ पे इतने सारे हिरन, अगर सबसे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे तो हमारे 1K एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो देख सकते हो कैसे भाग रहे हैं यहाँ पे। भाई इधर 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 ब्रो, तो गाइस अभी आगे चलते हैं।
सो गाइज आप लोग देख सकते हैं पे भालू है और इसे अलग रखा गया हुआ है और इस पे देखने का टाइम दिया हुआ गाइज 10 से लेके इवनिंग का 4 बजे तक, लेकिन अभी पता नहीं क्यों गेट बंद है, हम लोग अंदर जा नहीं सकते। सो गाइज अंदर में आप लोग यहाँ फोटो शूट कराने के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है, दीवार में आप लोग वॉल पे देखो ड्राइंग किया हुआ है तो आप लोग यहाँ फोटो शूट करा सकते हो अपना, बहुत बढ़िया प्लेस है। और जस्ट यहाँ इसके पीछे रेस्टोरेंट है तो अभी क्लोज है शायद, अभी बंद है। चलो आ जाओ, पूरा हम लोग बारिश में भीग चुके हैं। सो गाइज आप लोग पीछे देख सकते हो क्या, आप लोग अच्छे से देखो और मुझे कमेंट करके बताओगे क्या है। सो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओगे पीछे कि आप लोग पता चली गया हो कि पीछे शेर है, तो पीछे शेर गाइज बहुत बुढ़ा हो चुका है ये, अभी मैं कुछ दिन पहले आया था तो लॉकडाउन से पहले, मतलब क्योंकि लॉकडाउन के बीच में तभी कुछ दिन पहले ही पार्क खुला हुआ है, जू खुला हुआ है, लॉकडाउन तो बंद था पूरा, तो गाइज देख सकते हो पूरा बुढ़ा हो चुका है, उस दिन बुढ़ा नहीं था अभी पूरा बुढ़ा हो चुका है। देखो गाइज मैं आप लोगों को एक कुछ खास मिलाता हूँ, बिल्ली की प्रजाति क्या ये कैट की, तो देखो आप लोग लेपर्ड है गाइज ये, और ये यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड में टंगा हुआ है स्नो लेपर्ड्स और क्या लिखा ब्रो, बंगाल टाइगर नहीं है कुछ, बंगाल टाइगर टाइगर तो उधर था बट लेपर्ड ही है गाइज, तो यहाँ पे दो ही लेपर्ड इसके अंदर, लॉगेड लेपर्ड है, लियोगार्ड लेपर्ड है, और बस इसके बारे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं है गाइज, तो आप लोग एक बार विजिट करो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कितने पोज में बैठा हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से, देख सकते हो भाई साहब कितना डेंजर दिख रहा है, और एक गाइस उधर है, बस दो ही है। और गाइस अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे लेट्स से आगे और हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है तो आप लोग देख सकते हो, बस दो है और अभी आगे चलते हैं गाइस। हम लोग यहाँ पे अंदर में 2 या 3 घंटे से रुके हुए क्योंकि बारिश स्टार्ट हुई था तो हम लोग निकल भी नहीं पाए, और एक रुकने का बना हुआ था तो हम लोग वहाँ रुके हुए थे, तो अभी चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। और वहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल टाइप में दिख रहा है कुछ पीछे, अपने पीछे पीछे आप लोग देख सकते हो कुछ वाटरफॉल टाइप में दिख रहा, तो वो भी आप लोग दिखाते हैं। गाइस आप लोगों को हम लोग इतना प्यारा प्यारा व्यू दिखा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और देख सकते हो आप लोग व्यू यार बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, सामने से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है, आप लोग कैमरे में तो पूरा क्लियर नहीं दिखता होगा बट कैसे, अगर आप लोग सामने से आकर देखोगे ना बहुत प्यारा व्यू है, बहुत क्लियर है, आप लोग वॉइस सुनो पानी का बहुत ही अच्छा साउंड आ रहा है। तो गाइस हम लोग पीछे भैया से पूछा, उन्होंने बोला कि मगरमच्छ बटरफ्लाई इधर ही है, तो अभी चलते हैं देखते हैं हम लोग को दिखता है कि नहीं। यहाँ बतख है, बतख क्या बोलता है ना, क्या बोलता है। और गाइस मुझे तो लगता नहीं और कुछ है, सब चीज़ तो हम लोगों ने आप लोग को दिखाई दिया है, और गाइस यहाँ पे पीछे बोट दिखता होगा, बटरफ्लाई और क्रोकोडाइल और घड़ियाल, तो आगे बस हम लोग को ये 3 चीज़ दिखने वाला है, तो चलते हैं 3 चीज़ को देखते हैं। और बट ये एरो इधर जाने के लिए बोल रहा है, पीछे 2 रास्ता समझ नहीं आ रहा किधर जाना है, तो इधर का एरो बता रहा है, तो चलते हैं गाइस और मिलते बटरफ्लाई से। अभी हम लोग ने डायरेक्ट शॉर्टकट मारा जंगल जंगल उठे हम लोग आ गए, और इधर हम लोग को बटरफ्लाई कोटा लेकिन मिलेगा, तो चलते हैं अच्छा भाई मजा आ रहा है, डॉक्टर अंदर हम लोग को बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, देख सकते हो। Yeah.
गाइस यहाँ पे तितली तो दिख ही नहीं रहा, बस एक या दो है, बटरफ्लाई एक या दो है, और वो भी ना के बराबर एक उधर गोना पीछे तरफ उड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, ऐसे निकलते आगे गर्मच को देखते हैं। तो आ जा ब्रो, चलते बाहर चलते। गाइस हमारे मगरमच्छ भैया जो है वो हमसे शर्मा गए और वो पानी के अंदर मतलब कि अंदर घुसे हुए, पानी के अंदर डूबे हुए और वो बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। बाहर आ जाओ चचा, वो तो बाहर नहीं आ रहा। गाइस हम इधर एक पता नहीं, यहाँ पे दो मगरमच्छ है, एक का मुंह तो छोटा है, एक का मुंह तो बड़ा है, पता नहीं वो। पर ये घड़ियाल है और इधर मगरमच्छ है, इधर मगरमच्छ है जो पूरा छुपा हुआ अंदर दिख नहीं रहा। और ये घड़ियाल है, इसका फेस बाहर आया हुआ देख सकते हैं, छोटा छोटा बाहर आया हुआ, थोड़ा एकदम थोड़ा सा बाहर आया हुआ, तो उतना अच्छे से पता भी नहीं चल रहा। तो गाइस अगर आप यहाँ वीडियो को यहाँ तक देखो तो वीडियो को लाइक कर दो। सो फाइनली गाइज हम लोगों ने जू का सारा क्लिप शूट कर लिया और आप लोगों को वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा आई होप गाइज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो हम लोग इंस्टाग्राम आईडी आता होगा, तो फटाफट जाओ हम लोग इंस्टाग्राम फॉलो करो। और गाइज हमारे 1K सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट करो। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने भीगते हुए ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेके। तो गाइज बहुत चल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।